मन मर्जी की तो पिक्चर दिखाता ही है। बच्ची 12th ई में साइंस CBSE में है और फिजिक्स टीचर है धीरज शर्मा। बच्चों को गलत हरकत करता है और बच्चों को बीच में लेते हो, दूसरे बच्चों के लिए बोलता है कि इसको आई लव यू बोल, डॉट डॉट कर इसको मनमर्जी पिक्चर दिखाते हैं जो बच्चों को देखने का मतलब नहीं है। और वहाँ पर सिनेमा पर जाकर वहाँ पर हाथ फेरता बच्चों को, पर हमें बच्चों ने रात को बताया तो पता लगा तो हमने जाकर इस तरह का एक्शन लेना पड़ा है। किस तरह की हरकत है, क्या क्या बच्चों को बेमतलब ही उसको आई लव यू बोलना करना, बच्चों को पढ़ाने आता है क्या करना आता है, मन मर्जी पिक्चर दिखा रहे तो गलत सीन हो तो उसको हाथ फेरने का करने का काम करता है। ये कितने दिनों से हरकत करने को बच्चों ने तो अभी बताया है, करने को मेहनत पर हो गया उसने आई लव बोलने बोलते बोलते। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। प्रॉब्लम आई नहीं केवल आज सुबह हमारी पास 8 बजे ये सूचना आई है कि भाई इन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है, बच्चों से कुछ बोला होगा, लेकिन हमने वो कोई चीज देखी नहीं है, अभी सुनी नहीं। इतना जरूर बता रही कि जो संडे गए ना पहले तो इसमें कोई मूवी देखने बच्चों के साथ में गए बता। नहीं परिजन हमने सर क्या हुआ है, संस्था को समय नहीं दिया गया कि संस्था टीचर से बात करती बच्चों ना। मैं तो धीरज से बात भी नहीं कर पाई ना, मैं धीरज से पूछू इससे पहले तो ये सारी चीज शुरू हो गई। अब क्या एक्शन लिया जाएगा मैडम? सर एक्शन ये लिया जाएगा कि संस्था के हित में, बच्चों के हित में आप ये माने कि ये टीचर हमारे पास से तो आज डिसकंटिन्यू हो गया, ये तो संस्था में दोबारा कदम नहीं रखेगा। अच्छा, दोषी दोषी पाए गए तो? अब दोषी पाए गए जब सर माँ बाप बोल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है ही है। क्या नाम है मैडम आपका? मैं विजयलक्ष्मी दीक्षित।